नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआर न्यूज। कांग्रेसी नेता रघु शर्मा आज वडोदरा की मुलाकात पर थे। उस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत कर कई बड़े बयान दिए। दरअसल कांग्रेसी नेता रघु शर्मा की ओर से गुजरात मॉडल को खोखला बताते हुए इस बात पर बड़ा बयान दिया गया है कि गुजरात में ड्रग्स और शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है। तो वहीं उसके अलावा कांग्रेसी नेता रघु शर्मा की ओर से राजस्थान में बच्चे की मौत का जो मामला सामने आया है, उस घटना के मामले में आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने के बात पर भी बयान दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के तीसरी बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर आदरणीय अशोक गहलोत जी को गुजरात के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कल भी उनको सूरत और राजकोट आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से लैंडिंग की प्रॉब्लम हुई, दो जगह वो नहीं आ पाए। आज सेंट्रल गुजरात के प्रमुख कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है यहाँ बड़ौदा में, आज वो आ रहे हैं और इसके बाद में अहमदाबाद में नॉर्थ गुजरात के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दो दिन का उनका प्रोग्राम बना है अभी, तो आज हम सब लोग उनको लेने आए हैं। और मैं समझता हूं कि गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, जिस ढंग के फैसले राजस्थान में हमारी सरकार ने किए जनता की भलाई के लिए, हम उन फैसलों को गुजरात में भी लागू करेंगे। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जिस ढंग से निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जाँच योजना हो, 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर व्यक्ति को वहाँ दिया गया है, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल थ्रू आउट स्टेट्स प्रो पुअर लोगों के लिए खुली है, और जिस ढंग से किसानों के उत्थान के लिए चाहे कर्ज माफी हो 2 लाख तक की, या उनके बिजली के बिल 5 साल जब भी हमारी सरकार बनती है वो बढ़ते नहीं है, और 1000 रुपये पर मंथ उनको बिजली का दाम, हमारी सप्लाई खोखला है। यहाँ ड्रग्स आ रही है, लाखों करोड़ों की ड्रग्स यहाँ पे आई है, कहने को यह शराबबंदी है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। गहलोत साहब ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि अगर होम डिलीवरी चाहिए तो गुजरात के किसी घर में या चौराहे पे आपको शराब मिलती है। बीजेपी को तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ आप यहाँ आके देखो ना, ये सच्चाई है। आज 14 बार पेपर लीक हुए हैं, 5 लाख पद यहाँ खाली पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पे है, और जिस ढंग से अभी थोड़ी बारिश हुई और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई, 4 सवारी बैठी गाड़ी में, पूरी सवारी आपके गड्ढे में चली गई गाड़ी में, तो कहाँ विकास है। लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कोविड में लाखों लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।